हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम इंग्लिश की वर्कशीट देख लेते हैं वर्कशीट वर्कशीट थर्टीन ये है फोर्थ ऑफ ऑगस्ट की वर्कशीट uh, ये लिटरेचर की वर्कशीट है ये अभी तक आपने जो दो स्टोरीज पढ़ी हैं उस पे बेस्ड वर्कशीट है तो सबसे पहले ध्यान से ये पिक्चर्स देख लीजिए तो ये पिक्चर वन है इसमें एक बच्चा है अ चाइल्ड विद हिज पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ है ये एक विलेज फेयर में आया हुआ है याद आया ये स्टोरी आपको फिर एक ये पिक्चर टू है इसमें स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स रोबोटिक टीचर मूविंग ये सब यहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम इस पिक्चर में दिख रहा है फिर पिक्चर थ्री है अगेन वही विलेज फेयर है वहां पर एक बच्चा है और वो बहुत रो रहा है और एक इंसान है एक आदमी है उसे जो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है तो इन पिक्चर बेस्ड ये वर्कशीट है तो अब क्वेश्चन दिख लेते हैं क्या क्वेश्चन है तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच चैप्टर्स डू द पिक वन एंड टू रिमाइंड यू ऑफ तो जब आप दोनों पिक्चर्स देखते हैं पिक्चर वन एंड टू तो कौन से चैप्टर्स की आपको याद दिलाता है थोड़ा सा याद कीजिए पहला ऑप्शन है द लॉस्ट चाइल्ड दूसरा ऑप्शन है द फन दे हैड तीसरा ऑप्शन है बोथ वन एंड टू फोर्थ है नन ऑफ देम तो दोनों ही पिक्चर्स पिक वन एंड टू कौन सी स्टोरीज को बिलोंग करती हैं? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यस yes. ये द लॉस्ट चाइल्ड को बिलोंग करती है पिक वन द फन दे हैड को बिलोंग करती है पिक टू तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन थ्री बोथ वन एंड टू तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु ऑल आर विजिबल इन द पिक वन तो अगर आप पहली पिक्चर देखते हैं तो उसमें कौन कौन विजिबल है ऑप्शन ए ऑप्शन वन है द चाइल्ड ऑप्शन टू है पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड ऑप्शन थ्री है बलून सेलर और ऑप्शन फोर है ऑल ऑफ देम तो पिक वन में जब देखते हैं क्या आपको सब दिखते हैं एक बच्चा भी आपको दिख रहा है उसके पेरेंट्स भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और साथ ही आपको ये बलून सेलर ये गुब्बारे बेचने वाला भी यहाँ पर दिख रहा है तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन फोर ऑल ऑफ देम अब आगे चलते हैं क्वेश्चन uh, थ्री पर क्वेश्चन थ्री आपका है पिक टू रिमाइंड यू ऑफ ऑप्शन वन टॉमी एंड मार्जी ऑप्शन टू जॉय एंड नेहा ऑप्शन थ्री इरफान एंड जुबी ऑप्शन फोर सोनू एंड मोनू तो अगेन बहुत ही क्लियर है ये पिक टू किस कौन सी स्टोरी से है ये है द फन दे हैड जो स्टोरी आपने पढ़ी है मोमेंट्स में उसमें से ये है तो so, वहां पर कौन है कैरेक्टर्स वहां है टॉमी एंड मार्जी तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है आगे चलते हैं क्वेश्चन फोर पर इन पिक थ्री द चाइल्ड इज यहां पर बच्चा क्या कर रहा है पिक थ्री में ऑप्शन वन क्राइंग ऑप्शन टू स्लीपिंग ऑप्शन थ्री लाफिंग ऑप्शन फोर स्टडींग क्या ये बच्चा रो रहा है या सो रहा है या हंस रहा है या पढ़ रहा है तो अगर पिक थ्री अगेन ध्यान से आप देखें यहां पर तो इसमें बच्चा रो रहा है क्योंकि यह स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड से ली गई पिक्चर है और यहां पर बच्चा इस मेले में खो जाता है तो इसलिए वहां पर वो बहुत रो रहा है तो इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वट डू वी यूज फॉर ऑनलाइन लर्निंग तो ऑनलाइन लर्निंग के लिए आप क्या यूज करते हैं ऑप्शन वन मोबाइल ऑप्शन टू कंप्यूटर्स ऑप्शन थ्री टैबलेट ऑप्शन फोर ऑल ऑफ दम तो ऑफकोर्स आजकल आप कर ही रहे होंगे ये ऑनलाइन लर्निंग तो ऑप्शन फोर ऑल ऑफ दम आप हो सकता है मोबाइल यूज कर रहे हो आप हो सकता है कि कंप्यूटर्स uh, यूज कर रहे हो या हो सकता है आप टैबलेट uh, यूज कर रहे हैं तो इन तीनों में से आप कुछ भी ऑनलाइन लर्निंग के लिए या ये सब आप ऑनलाइन यूज के लिए ऑनलाइन uh, लर्निंग के लिए आप ये यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द फन दे हैड तो अगेन इस चैप्टर को इस स्टोरी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऑथर का नाम पता चल जाएगा ऑफ कोर्स ऑप्शन वन मार्जी इसमें ऑथर नहीं है वो एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में ऑप्शन टू आइसेक असिमोव ये है इस स्टोरी द फन हैड के ऑथर तो ऑप्शन टू आपका करेक्ट ऑप्शन है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ़ ऑफ़ द फॉलोइंग वर्ड इज़ एन लर्निंग। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट जिसका मतलब है एक ऑपोजिट एक विपरीत अर्थ तो so, लर्निंग का ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है ऑप्शन वन नॉलेज नहीं ऑप्शन टू एजुकेशन नहीं बल्कि ये लर्निंग से मिलते जुलते शब्द हैं सिनोनिम्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं नॉलेज एजुकेशन और लिटरेसी भी ऑप्शन थ्री इग्नोरेंस इग्नोरेंस मतलब अज्ञान किसी बात का ज्ञान ना होना वो लर्निंग का एंटोनिम है फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अ चाइल्ड वेंट टू द मार्केट टू बाय एन ऑरेंज अ कैंडी एंड एन अम्ब्रेला विच पार्ट ऑफ स्पीच डू द अंडरलाइन वर्ड्स रिप्रेजेंट तो अंडरलाइन वर्ड्स यहाँ पर कौन से हैं अ द एन अ एन तो ये सारे कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं अगेन हमने एक वर्कशीट ऑलरेडी इस पे की है तो देख लेते हैं ऑप्शन वन है प्रिपोजिशंस जो आपकी वो वर्ड्स जो पोजीशन बताते हैं कुछ चीज़, कुछ चीजों की पोजीशन बताते हैं तो ये जो वर्ड्स है अ द एन ये पोजीशन तो नहीं बताते हैं तो ये प्रीपोजिशंस नहीं है फिर ऑप्शन टू है आर्टिकल्स यही आपका सही ऑप्शन है क्योंकि ए द एन ये आर्टिकल्स कहलाते हैं कंजंक्शन ये नहीं है मोडाल नहीं है तो आज की वर्कशीट में इंग्लिश वर्कशीट में इतना ही है हम आगे चलते हैं अब आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट पर तो आइए स्टूडेंट्स अब हम सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया की वर्कशीट देख लेते हैं ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है तो ये चैप्टर वन है इंडिया साइज एंड लोकेशन पार्ट एक भारत आकार और स्थिति तो इंडिया का क्या साइज है क्या कितना आकार है उसका और उसकी लोकेशन कहाँ है तो वर्ल्ड मैप पे उसकी लोकेशन कहाँ है ये जोग्राफी का एक आ, आपका चैप्टर है तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है आइए वो पढ़ लेते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं सो मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग लोकेशन जो उसकी इंडिया की स्थिति है उससे रिलेटेड क्या मेन पॉइंट्स हैं कंट्री इंडिया इज लोकेटेड इन द एशियन कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिसफेयर ऑफ अर्थ तो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो उत्तरी गोलार्ध है उसका जो नॉर्दर्न हेमिसमे जो एशिया है एशिया नाम का जो कॉन्टिनेंट है महाद्वीप है वहां पर हमारी हमारा देश भारत स्थित है वहां पर हमारी कंट्री इंडिया है द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इट मेन लैंड इज एट डिग्री फोर नॉर्थ लैटिट्यूड टू थर्टी सेवन डिग्री सिक्स नॉर्थ लैटिट्यूड तो मुख्य भाग जो है उसका इंडिया का जो मेन लैंड है वो अक्षांशीय विस्तार उसका आठ डिग्री चार उत्तरी अक्षांश से लेकर थर्टी सेवन डिग्री छ उत्तरी अक्षांश तक है और वहीं उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट उसका जो है देशांतरीय विस्तार जो है वो उसका 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर तक है तो लॉन्गिट्यूड हो जाता है आपका ईस्ट से वेस्ट और लॉन्ग लैटिट्यूड हो जाता है आपका नॉर्थ टू साउथ तो ऊपर से लेकर नीचे तक लैटिट्यूड देखा जाता है और लेफ्ट से लेकर राइट right तक लॉन्गिट्यूड देखा जाता है तो ये जो है उसका साइज उसके जो लोकेशन है इंडिया की जोग्रफिकल सिचुएशन जो है उसकी इंडिया की वर्ल्ड मैप पर ग्लोब पर अर्थ पर वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से ऐसे डिस्क्राइब की जा सकती है आगे मेन पॉइंट पे चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क वृत्त जो है वो 23 डिग्री 30 नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश पर है उसने देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटा है तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट डिवाइड्स इट इन ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स तो वो एकदम हमारी कंट्री के ऑलमोस्ट बीच से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिससे हमारी कंट्री ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है इन द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बेंगाल

दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप नाम का आइलैंड जो है द्वीप जो है वो वहां पर स्थित है तो ये बहुत ही सुंदर आइलैंड्स है हम खुद चाहते हैं कि कभी हम वहां पर जा पाए क्योंकि बहुत ही सुंदर ये आइलैंड्स है हमारी कंट्री में बे बंगाल और अरेबियन सी दोनों में अब चलते हैं इंडिया के साइज की तरफ तो द मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ थ्री मिलियन स्क्वायर किलोमीटर which accounts for about 2.4 percent of total geographical area of the world. वर्ल्ड तो पूरे सृष्टि का पूरी विश्व का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो उसका 2.4 percent जो है वो इंडिया कवर करता है और उसका कुल क्षेत्रफल उसका टोटल एरिया जो है वो 32.8 टू पॉइंट एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है थर्टी लाख वर्ग किलोमीटर है इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड तो पूरे विश्व में इंडिया जो है भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से साइज की दृष्टि से एरिया की दृष्टि से भारत जो है वो सातवें स्थान पर आता है तो so, सबसे पहला इसमें है रशिया वो लार्जेस्ट है फिर कैनेडा फिर यूएसए फिर चाइना फिर ब्राजील फिर ऑस्ट्रेलिया और आखिर सेवेंथ है हमारा इंडिया नेक्स्ट पॉइंट आपका है लैंड बाउंड्री इज अबाउट 15,200 थाउजेंड किलोमीटर्स एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग द आईलैंड इज 7,516.6 थाउजेंड किलोमीटर्स तो इंडिया की जो स्थल सीमा है मतलब ये जो लैंड एरिया है यहाँ पर मेन लैंड की जो स्थल सीमा है वो जो है अराउंड 15,200 किलोमीटर है और जो समुद्री तट रेखा है जो ये ये जो मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन है आइलैंड्स को इंक्लूड करती हुई वो है 7,516.6 किलोमीटर लंबी ये कोस्ट लाइन है अगला पॉइंट है आपका द टाइम गैप बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज अबाउट टू आवर्स बिकॉज द लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस इज अबाउट थर्टी डिग्री तो अरुणाचल प्रदेश हमारा पड़ता है इधर ये नॉर्थ ईस्ट uh, साइड जो है इंडिया की वहां पर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है वहीं ये बिल्कुल इंडिया की वहां ये गुजरात पड़ता है तो इन दोनों के बीच में अबाउट थर्टी डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है तो जो लॉन्गिट्यूड अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है और जो लॉन्गिट्यूड गुजरात से गुजरती है उन दोनों के बीच में थर्टी डिग्री ऑलमोस्ट डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है अब उसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस आता है उससे अगर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट अराउंड चार मिनट का डिफरेंस आता है तो हर एक लॉन्गिट्यूड पे अगर टाइम कैलकुलेट किया जाए तो चार मिनट का अंतर हर एक लॉन्गिट्यूड आता है तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर हम कहें कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वहाँ पर देशांतरीय विस्तार का वहाँ पर जो देशांतरीय विस्तार है उसमें लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है तो उस हिसाब से 30 इंटू फोर वन मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है 120 मिनट्स मतलब टू आवर्स तो लगभग दो घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाता है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के टाइम के बीच में तो इसलिए अब आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री कितनी वास्ट कंट्री है कितनी बड़ी कंट्री है तो ये मेजर टाइम डिफरेंस वहां पर आ सकता है इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम कंट्री में फॉलो किया जाता है तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम के लिए देश में समान समय लागू करने के लिए एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड डिसाइड की गई है वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट पर जो लॉन्गिट्यूड है वहां से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है वहां से भारत का मानक याम्योत्तर गुजरता है उसे माना गया है और ये कहाँ से गुजरता है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है तो यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड टाइम आता है अब ये समझने के बाद आगे चलते हैं और हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन से दिए गए हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है और हम आपको सैम्पल के तौर पे इन uh, क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे देते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है आपका विच आइलैंड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन अरेबियन सी तो बहुत ही इजी आंसर है इसका यहीं पर है इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं ये यहां पर आपका आंसर है इन द साउथ वेस्ट लाइज द आइलैंड लक्षद्वीप इन अरेबियन सी ये आपका आंसर वन है हिंदी की वर्कशीट में भी है दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है ये आपका आंसर वन है अब चलते हैं प्रश्न दो की ओर क्वेश्चन टू विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स कौन सा अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है ये भी बहुत इजी है आपने अभी अभी डिस्कशन uh, में सुना ही होगा तो ये आंसर भी यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड्स इट इन ऑलमोस्ट Equal यहाँ पर it की जगह आप इंडिया लिख दीजिए डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट टू इक्वल सिमिलरली हिंदी में भी यहां पर है कर्क उत्तरी अक्षांश भारत को देश की जगह आप भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है आप ये आंसर इसे ऐसे लिख सकते हैं अब प्रश्न तीन है आपका राइट डाउन द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडियन मेनलैंड भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए अब इसका आंसर भी यहां पर डायरेक्ट वर्कशीट में दिया गया है ऊपर चलकर जरा देख लेते हैं इसको भी तो ये जो आपका पॉइंट टू और थ्री है ये आपका आंसर है ये

क्वेश्चन फोर आपका ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है इफ डेली इज लोकेटेड ऑलमोस्ट एट सेवेंटी सेवन डिग्री थर्टी ईस्ट लॉन्गिट्यूड देन वॉट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इट्स लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम यदि दिल्ली 77 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित हो तो इसके स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा तो जैसा कि आपने वर्कशीट में देखा कि स्टैंडर्ड टाइम हमें कहां से मिलता है हमें मिलता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लॉन्गिट्यूड पास होती है वहां से आपको स्टैंडर्ड टाइम मिलता है हम यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट भी कर देती हूं तो ये थ्रू आउट द कंट्री 82 टू ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरीडियन ऑफ इंडिया ये यहां पर ये 82 हिंदी में भी है ये अब ये आपको लेना है स्टैंडर्ड टाइम ठीक है स्टैंडर्ड ईस्ट लॉन्गिट्यूड और फिर आपको इंडिया डेली का आपको ऑलरेडी दिया हुआ है वो है 77 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है कि इन डेली के लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में कितना डिफरेंस होगा तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंडिया में हर एक जगह इंडिया ही नहीं बल्कि हर कंट्री में हर एक लॉन्गिट्यूड पर एक अलग टाइम होगा क्योंकि उस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन एक कंट्री जो है एक स्टैंडर्ड टाइम डिनोट करती है तो हमारी कंट्री में स्टैंडर्ड टाइम डिनोट होता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से इस लॉन्गिट्यूड से तो अब यहां से हम स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे और डेली का लोकल टाइम है यहां पर अब उसमें हमें निकालना है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है आपको टाइम डिफरेंस निकालना है तो जिस तरह से ऑलरेडी यहाँ पर वो दिया हुआ था आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ था अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का उसी तरह से आपको इसका भी आंसर निकालना है टाइम डिफरेंस निकालना है तो अब हम आपको इसका आंसर दिखा देते हैं तो 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया तो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत के मानक मध्यान रेखा के रूप में लिया जाता है और इसी से हमें स्टैंडर्ड टाइम मिलता है इसी से हमें मानक समय मिलता है तो दिल्ली जो है वो ऑलमोस्ट 77 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है वहां से हमें इसका स्थानीय समय लोकल टाइम मिलता है अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस बिटवीन मिर्जापुर एंड डेली लॉन्गिट्यूड क्या होगा 82 डिग्री 30 ईस्ट माइनस सेवन डिग्री 30 ईस्ट और अगर इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो डिफरेंस आ जाता है 5 डिग्री तो 30 ईस्ट जो है दोनों में कैंसिल हो जाएगा 82 टू माइनस सेवेंटी करेंगे तो 5 डिग्री आ जाएगा यहां से अब हमें ऑलरेडी पता है कि टाइम डिफरेंस ऑफ अबाउट वन लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू फोर मिनट्स तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट चार मिनट है तो जब इस डेली का जो लोकल टाइम है और स्टैंडर्ड टाइम जो मिर्जापुर में होगा उसके बीच का अगर टाइम डिफरेंस हम कैलकुलेट करें तो बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो है फाइव डिग्री और अगर टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम फाइव इंटू फोर मिनट्स करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है ट्वेंटी मिनट्स तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि डेली के लोकल uh, टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बीच में डिफरेंस है ट्वेंटी मिनट्स। उम्मीद करते हैं आज की आपको दोनों ही वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस चैनल को लाइक like और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू